फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द डिस्कवर स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम कवर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनाई जा सकती है, अबॉलिश की जा सकती है, ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर क्या है, तो ये सब आज हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर आता है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ये स्टार्ट होता है 168 नंबर आर्टिकल से। तो आर्टिकल नंबर 168 कहता है कि हर एक स्टेट में लेजिस्लेचर होनी चाहिए, जिसके अंदर आते हैं गवर्नर और 7 स्टेट के केसेस में 2 हाउस, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वो 7 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड यूपी। इनके अलावा बाकी की स्टेट्स में सिर्फ एक हाउस होता है, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आता है आर्टिकल नंबर 169। तो जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसे हम बना भी सकते हैं और जिस स्टेट में होती है उसको हम अबॉलिश भी कर सकते हैं, ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 169 के अंदर। तो ये राइट किसके पास है इसे बनाने का एंड अबॉलिश करने का, वो है पार्लियामेंट के पास। लेकिन उसके लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी से लॉ पास कराना पड़ता है और वो फिर पार्लियामेंट को रेफर करती है। उसके बाद पार्लियामेंट के पास राइट होता है कि उसको अबॉलिश करनी है कि किसी स्टेट में क्रिएट करनी है। अभी रिसेंटली राजस्थान और बहुत सारी स्टेट्स में मांग हो रही थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 170 की तरफ। 170 में स्ट्रेंथ लिखी गई है लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 60 एंड मैक्सिमम मेंबर्स 500 हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 171। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या स्ट्रेंथ है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ है मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। तो चलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम कंपोजिशन देख लेते हैं। फर्स्ट, 1/3 मेंबर इलेक्टोरेट्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और ये इलेक्टोरेट्स होते हैं म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल अथॉरिटी के लोग। फिर जो 1/12 मेंबर्स होते हैं वो 3 ईयर ग्रेजुएट्स होते हैं, जो कि रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट होते हैं। नेक्स्ट आता है जो 1/12 मेंबर्स होते हैं वो वैसे लोग होते हैं जिन्होंने 3 साल टीचिंग प्रोफेशन में काम किया होता है उस स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर मिनिमम जो उसका स्टैंडर्ड होता है कि सेकेंडरी स्कूल तक का कोई स्कूल होता है उसमें। अब बचे हुए जो 1/3 होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग। और जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्ट करते हैं, इसमें 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और सेकंड, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये दोनों टर्म्स मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इनफैक्ट प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब लास्ट आते हैं जो 1/6 बचे हुए लोग होते हैं। जो 1/6 लोग होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड, और उनको नॉमिनेट कौन करता है? उनको नॉमिनेट करता है गवर्नर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोग इलेक्टेड होते हैं और कितने लोग नॉमिनेटेड होते हैं। तो 5/6 बचे हुए इलेक्टेड एंड बचे हुए 1/6 हुए नॉमिनेटेड। और ये सारे लोग 5 बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स और कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब हाउसेस की ड्यूरेशन क्या होती है? तो 172 आर्टिकल में लिखा गया है कि ड्यूरेशन क्या है दोनों हाउसेस की। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में उसकी ड्यूरेशन होती है 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और नई लेजिस्लेटिव असेंबली आती है। लेकिन एमरजेंसी के केस में इसकी ड्यूरेशन हम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अब समझ लीजिए एमरजेंसी खत्म हो गई, तो एमरजेंसी खत्म होते ही जस्ट 6 महीने तक ही इसकी ड्यूरेशन बढ़ सकती है, उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की तरह परमानेंट हाउस है, यानी कि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन हर 2 साल में उसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 173 की तरफ। इसमें लिखा गया है कि क्वालिफिकेशंस क्या है मेंबर्स की। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा गया है, बॉर्न सिटीजन नहीं लिखा गया है। दूसरी, कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो ओथ बताई है वो ओथ आपको लेनी पड़ेगी। थर्ड,
लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में 30 साल के आप मिनिमम होने चाहिए। और लास्ट आती है जो कि बाकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बताता है हमारा पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट ने क्वालिफिकेशंस बताई है आपको वो सब पूरी करनी पड़ेगी। जो गवर्नर होते हैं वो टाइम टाइम पर हाउसेस को समन करते हैं, और हाउसेस के सेशन में मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वो हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं, यानी कि सेशन ख़त्म करना, या फिर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व करने का मतलब है कि जो अभी प्रेजेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली है वो गिर जाएगी और इलेक्शन होके फिर दूसरी आएगी। अब जैसे कि हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखा था कि हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है और जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देते हैं, सेम इस स्टेट के केस में गवर्नर भी हर साल का पहला सेशन और जनरल इलेक्शन के बाद जो सेशन होता है उसमें स्पेशल एड्रेस देते हैं। अब देखिए, जो लोग मिनिस्टर्स होते हैं और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं उनके भी कुछ स्पेशल राइट्स हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आया था कि एडवोकेट जनरल कौन कौन सी सिटिंग में बैठ सकता है और बोल सकते हैं। तो उनके पास राइट है, राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, यानी कि जो प्रोसीडिंग हो रही है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और उन सारी कमिटीज़ की जिसमें वो मेंबर हैं, लेकिन वो लोगों के पास पावर नहीं होती कि वो वोट कर सके, यानी कि वोटिंग पावर नहीं है, बट वो प्रोसीडिंग अटेंड कर सकते हैं और उसमें अपना जो ओपिनियन है वो रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जो ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है वो सेम ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट के जैसा ही है, तो जो मेरा पार्लियामेंट वाला कोर्स है आप उधर रेफर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, एंड यस, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।